तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपना मोशन निंजा एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर रखा है, और आप भी इसी प्रकार से अपने एप्लीकेशंस को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने दो वीडियोस को सिलेक्ट किया है। दो वीडियो को सिलेक्ट करने का मतलब है कि मुझे ट्रांजैक्शन इफेक्ट जो है वो दिखाना है, और आप भी इसी प्रकार से जैसे प्लस के चिन्ह पर क्लिक करते हैं आपको ट्रांजेक्शन जो है वो दिख जाएंगे। तो मैंने राइट टू लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू राइट, आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा, क्योंकि सिनेमेटिक वीडियोज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने राइट टू लेफ़्ट रखा है, आप जो चाहें वो रख लीजिएगा। दोस्तों सबसे मेन इसकी ये है कि आप इसमें मल्टी लेयर्स जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने मिक्सर पर क्लिक किया, स्टॉक वीडियो से मैंने एक ग्रीन स्क्रीन ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्रोमा की दिखा सकता हूँ। बेसिकली मैं आपको एक से दो से एक से अधिक क्रोमा की दिखाऊंगा, कम से कम दो पर वीडियोज़ पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका क्रोमा की काम करता है। और आप बस आपको क्रोमा की पर क्लिक करना है, और अपने जो है सर्कल को जिस भी कलर्स को आपको रिमूव करना है उस पर रखें, और बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे मेन पहली चीज़ है कि यहाँ पर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस में नहीं मिलता। वैसे काइन मास्टर में मिलता है, लेकिन ये काइन मास्टर से भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि काइन मास्टर का जब तक आप पेड वर्जन परचेज नहीं करते हैं, मैं ये एक चीज़ बता दूं कि मैं किसी भी एप्लीकेशंस को ये सही नहीं है वो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप उसको पे नहीं करते हैं, पेड नहीं करते हैं, तो आप उसका जो है डायरेक्ट काइन मास्टर जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये उससे भी बहुत बेहतरीन है, और बहुत सारे एप्लीकेशन से ये बहुत बेहतर है। सबसे मेन चीज़ है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई वक्त की प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो इसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसमें आप, मैंने आपको बता दिया, क्रोमा की जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स को एडिट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। इसमें आप और भी ज़्यादा स्टिकर, फैक्स, म्यूज़िक, मिक्सर, मल्टी लेयर, क्लिप, बहुत कुछ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए एप्लीकेशंस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने आपको क्रोमा कीज जो है वो दिखा दिया है। आप दूसरा चीज़ है कि आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं या फिर ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं जो कि क्रैकेड है, तो क्रैकेड के बारे में आपको पता होगा, जो भी आदमी आपको कोई क्रैक वर्जन जो है देता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ तो फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और उस पर कोई वाटरमार्क नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशंस आपके लिए रहेगा। दूसरा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया है तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई वर्क्स वगैरह ढूंढना थोड़ा हो सकता है, लेकिन सिक्योर रह सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर गूगल का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए फिर आप एक्सपोर्ट पर इस वीडियोस को जब क्लिक करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको निकाल सकता है। तो अगर आप एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से ढूंढ रहे हैं तो मोशन निंजा इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फुल कंप्लीट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स आपको बना कर दूँ, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको इसका फुली वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स जो है वो बना कर दूँगा। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपने इसमें फ्रेमवर्क जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फ्रेम को आप यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अपने फ्रेमवर्क को चूज़ नहीं कर सकते, हर एप्लीकेशंस की कुछ कमियाँ होती हैं, और इसमें मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई ख़ास कमी नहीं लगी। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें लगी कि जैसे यहाँ पर सेकेंड लेयर के लिए, जिस पर आप क्रोमा की या फिर कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको ये हमेशा के लिए जो है वो टाइम लगाता है थोड़ा स्टेबलाइज करने में। तो ये मुझे एक इसका डिसपॉइंटेड लगा कि ये नेगेटिव पॉइंट है जो कि नहीं होना चाहिए था, और एप्लीकेशंस में ऐसा होता है। तो कोई नहीं, उसे एडजस्टमेंट कीजिएगा, और यहाँ से आप बहुत ही फास्टली इसे जो है रेंट कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।